पिछले 39 वर्षों से सार्वजनिक गणेश उत्सव का शानदार आयोजन कर रही न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू में गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक फिर मां के नाम थीम पर निर्मित भव्य पंडाल में बनी झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वही गुरुवार को समिति द्वारा बाल गणेश की पालकी निकाली गयी, जिसमे हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान जिले के पुलिस कप्तान की धर्मपत्नी भी गणेश उत्सव पंडाल में पहुंची और भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। कैसे अपने को एनवायरनमेंट को क्लीन और अच्छे रखना है, उसके तहत प्योर जो भी वनस्पतिक चीजें हैं उससे ये पंडाल बनाया गया है। अद्भुत है और बहुत अच्छा है। मैं शाहुआर और बधाई देता हूँ इसमें। जैसा कि मेरी बेटी बोली, टीम की हर तरफ तारीफ है, बहुत अच्छा है, यूनिक है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई शाहुआर देता हूँ। आपका कार्यक्रम इसी तरह उत्तर उत्तर आगे बहुत अच्छे से आप आयोजित करें, हर वर्ष जैसा होता है। इंसान के रूप में सूरज और चांद और बाकी चीजों से डर के हम उनकी प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो क्या है। तो सही मायने में जब हम इंसान बन गए या मनुष्य बन गए तो भगवान आए और जो तब आ जाए, प्रकृति पहले है फिर भगवान का ये हुआ, उनका ज्ञान हुआ कि भगवान है। इसीलिए प्रकृति और भगवान अलग नहीं है, एक ही है। और प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं है और भगवान के बिना भी हम कुछ नहीं। इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को इंटरलिंक करके बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और अपने देश को बचाएं। धन्यवाद।